न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती शर्मा। दिन भर के विस्तार से खबरों को जाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सबरी खेलड़ी रेलखंड में नई यात्री ट्रेनें चलाने को लेकर दिया ज्ञापन। कलेक्टर ने शहर में खुली परिवेदनाएं किया प्रखंडों का विस्तारण। कॉलेज में खेलकूद प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आयोजित। मौसमी बीमारी को लेकर पिलाया काढ़ा। 10 दिवसीय ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण शिविर संपन्न। पशु पक्षी शल्य शिविर का हुआ उद्घाटन। नरेगा स्थल पर हुआ जागरूकता शिविर का आयोजन। आइए बढ़ते हैं समाचारों के विस्तार की तरफ। समदड़ी भेलड़ी रेलखंड में नई यात्री ट्रेनें चलाने को लेकर दिया ज्ञापन। जालौर से राजेश शर्मा के साथ जगमाल सिंह की रिपोर्ट के अनुसार युवा यात्री गाड़ी संघर्ष समिति के बैनर तले मुख्य परिचालन परिवहन प्रबंधक जयपुर के नाम स्टेशन मास्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में लिखा कि समदड़ी भेलड़ी रेलखंड पर ब्रॉडगेज लाइन शुरू हुए करीब 10 साल हो चुके हैं, जिसमें मीटरगेज के समय चलने वाली ट्रेनें दक्षिण भारत में या राज्य व देश की राजधानी जाने हेतु एक भी ट्रेन नहीं दी गई है, जबकि हमारे द्वारा लगातार एक्सप्रेस ट्रेनों की मांग को लेकर रेलवे के उच्च स्तरीय अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से बार बार पत्राचार व ज्ञापन के माध्यम से मांग की जाती रही है, किंतु अभी तक ट्रेनें शुरू नहीं हुई है, जो इस क्षेत्र के लोगों के लिए चिंता का विषय है। अध्यक्ष हीराचंद भंडारी ने बताया कि आगामी 30 जनवरी तक ट्रेनों का संचालन नहीं किया गया तो जिले के हर स्टेशन पर समिति की ओर से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस मौके जालौर जिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष शंकर सिंह बगेड़िया, यात्री गाड़ी संघर्ष समिति के अध्यक्ष हीराचंद भंडारी, सचिव जितेंद्र कुमार परिहार, सचिव हीरा संघ राठौड़, उपाध्यक्ष जगमाल सिंह राजपुरोहित मोदरान, ग्रेनाइट एसोसिएशन के सचिव धर्मेंद्र, पूर्व जालौर भाजपा नगर अध्यक्ष ओटाराम, कैलाश माली, दलपत बोहरा, ओम प्रकाश, कन्हैया लाल सेन, दिलीप शर्मा, युवा यात्री गाड़ी संघर्ष समिति के तमाम सदस्य व शहरवासी उपस्थित थे। मैं युवा यात्री गाड़ी संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूं। हमारे यहाँ ब्रॉडगेज हुए पिछले 10 साल हो गए हैं। हमारे सांसद महोदय की नाकामी के कारण आज हम पूरी जालौर की जनता को रोड पे आना पड़ा है और आज हमने स्टेशन मास्टर को अंतिम नोटिस दिया है कि अगर 30 जनवरी तक यात्री ट्रेनें समुद्री भिलड़ी खंड पे चालू नहीं की गई तो एक बड़ा आंदोलन ले लेगा, जो जिसका पूरा जिम्मेदारी प्रशासन तथा रेलवे की रहेगी। का सबसे बड़ा इंडस्ट्री एरिया, ग्रेनाइट इंडस्ट्री एरिया जिसको ग्रेनाइट सिटी के नाम से जानते हैं, वो ट्रेन की बस की कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से भारी नुकसान हो रहा है। हमारे यहाँ पे ना ट्रेन की कोई कनेक्टिविटी, ना कोई ग्राहक आते, ना कुछ आते, उसका हमें आबू रोड किशनगढ़, पूरी जो ग्रेनाइट सिटी के नाम से जो मशहूर थी उसका नाम मिटता जा रहा है, उसका कोई अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ग्रेनाइट सिटी जालौर जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, अगर यहाँ ट्रेन की सुविधा नहीं होती है तो जिसपे हमारे 1500 इंडस्ट्री है वो सारी बंद होने की कगार पे है, वो कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से कोई ग्राहक नहीं आ पाता, यहाँ पे कोई कनेक्टिविटी नहीं है। जोधपुर से आना पड़ता है, जोधपुर से 200 किलोमीटर फिर बाई रोड आना पड़ता है, इसलिए कोई कनेक्टिविटी, इसलिए जल्दी से जल्दी हमारे लिए ट्रेन की सुविधाएँ। जालौर बाड़मेर से लेकर जालौर और गुजरात तक और मुंबई तक हमें सीधी ट्रेन नहीं मिली है, इसके लिए कोई ना कोई संगठन हमेशा तत्पर रहा है, संघर्ष करता रहा है, लेकिन अब ये हमारी अंतिम चेतावनी है रेलवे प्रशासन को या शासन को कि अगर हमारी ये मांग मंजूर नहीं की गई तो बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा, जिसकी तमाम जिम्मेदारी रेल प्रशासन और शासन की रहेगी। जय भारत, जय राजस्थान, जय जालौर। कलेक्टर ने शहर में सुनी परिवेदनाएं किया प्रकरणों का निस्तारण। जालौर से राजेश शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार जिला कलेक्टर महेंद्र सोनी ने गुरुवार को अटल सेवा केंद्र में जिला स्तरीय संपर्क समाधान शिविर में आमजन की परिवेदनाओं की सुनवाई की। कलेक्टर सोनी ने शिविर में विभिन्न प्रकरणों के संबंध में उपस्थित अधिकारियों व पंचायत समितियों के अटल सेवा केंद्रों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए प्रकरणों की जाँच कर तत्काल समाधान करने के निर्देश प्रदान किए। शिविर में कलेक्टर के समक्ष 13 परिवादियों ने अपनी परिवेदनाएं प्रस्तुत की, जिनके त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया। जिला स्तरीय जनसुनवाई में लंबित
कुल 20 प्रकरणों में से 5 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। शेष प्रकरणों को आगामी बैठक से पूर्व शीघ्र निस्तारित करने तथा राजस्थान संपर्क के प्रकरणों को तत्परता से निस्तारण करने के निर्देश दिए। बैठक में सोनी ने जालौर नगर परिषद के आयुक्त को शहर में आवारा पशुओं को पकड़ने व कांजी हाउस के लिए स्थान चिन्हित करने तथा नई फायर ब्रिगेड वाहन का क्रय करने के आदेश प्रदान किए। शिविर में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक कुमार, जालौर उपखंड अधिकारी राजेंद्र सिंह, जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता उमेश मीणा, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता शांतिलाल सुथार, संपर्क समाधान शिविर के पश्चात जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक में समिति में दर्ज 4 प्रकरणों की समीक्षा के उपरांत 3 प्रकरणों का भी निस्तारण किया गया। कुल 20 प्रकरणों में से 5 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। शेष प्रकरणों को आगामी बैठक से पूर्व शीघ्र निस्तारित करने तथा राजस्थान संपर्क के प्रकरणों को तत्परता से निस्तारण करने के निर्देश दिए। बैठक में सोनी ने जालौर नगर परिषद के आयुक्त को शहर में आवारा पशुओं को पकड़ने व कांजी हाउस के लिए स्थान चिन्हित करने तथा नई फायर ब्रिगेड वाहन का क्रय करने के आदेश प्रदान किए। शिविर में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक कुमार, जालौर उपखंड अधिकारी राजेंद्र सिंह, जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता उमेश मीणा, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता शांतिलाल सुथार, संपर्क समाधान शिविर के पश्चात जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक में समिति में दर्ज 4 प्रकरणों की समीक्षा के उपरांत 3 प्रकरणों का भी निस्तारण किया गया। स्वास्थ्य केंद्र के अभाव में परेशान है ग्रामीण, प्रशासन नहीं ले रहा सुध। बाबूराम सुथार कूड़ा की रिपोर्ट के अनुसार सांचौर क्षेत्र की ग्राम पंचायत सरनाव के कूड़ा गांव में 4 वर्ष पूर्व आई बाढ़ की तबाही से उप स्वास्थ्य केंद्र मलबे में तब्दील हो गया था, जिसके प्रशासन ने आज तक कोई सुध नहीं ली। कूड़ा गांव में अन्य किसी प्रकार का कोई उप स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध नहीं होने के कारण इलाज के लिए अन्य स्थानों पर जाना पड़ रहा है, जिससे समय व धन की बर्बादी होती है। समस्या को लेकर ग्रामीणों ने कई बार रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवत व सांसद देवजी पटेल को लिखित व व्यक्तिगत रूप से शिकायत की, लेकिन 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। चिकित्सक नहीं होने से ग्रामीण परेशान। जगमाल सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार जिले के मोदरान के आदर्श PHC में संचालित आयुर्वेद औषधालय में पिछले 3 माह से आयुर्वेद चिकित्सक नहीं होने से कंपाउंडर व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के भरोसे ही चल रहा है, जबकि इन दिनों स्वाइन फ्लू व मौसमी बीमारियां तेजी से फैल रही है। यहां आयुर्वेद औषधालय होने से आसपास के करीब 2 दर्जन गांवों का सेंटर मोदरान गांव ही है, लेकिन चिकित्सक नहीं होने से ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में ग्रामीणों ने जिला प्रशासन व आयुर्वेद विभाग से तुरंत मोदरान में आयुर्वेद चिकित्सक लगवाने की मांग की है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। नाकोड़ा टाइल्स, टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालौर। कॉलेज में खेलकूद प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन। भिनमा से अरविंद सिंह व चिराग प्रजापत की रिपोर्ट के अनुसार जीके गोवाणी राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष जीनल त्रिवेदी ने बताया कि महाविद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। छात्राओं की 100 मीटर दौड़ में प्रथम डिम्पल, द्वितीय भगवंती व तृतीय स्थान पर पूजा कंवर रही, जबकि छात्र वर्ग में 100 मीटर दौड़ में प्रथम रिजवान खान, द्वितीय कृष्णा राम व तृतीय स्थान नरेश कुमार ने प्राप्त किया। दस्तरी फेंक में छात्रा वर्ग में प्रथम स्थान पर संगीता व तृतीय स्थान पर बाली रही, जबकि
छात्र वर्ग तस्तरी फेंक में प्रथम स्थान पर रमेश कुमार व द्वितीय स्थान पर कृष्णा राम व तृतीय स्थान जयरूपा राम ने प्राप्त किया। भाला फेंक छात्रा वर्ग में प्रथम बाली व द्वितीय स्थान पर मंजू फुलवारिया ने स्थान प्राप्त किया, जबकि छात्र वर्ग में प्रथम पोपटलाल, द्वितीय वीरेंद्र कुमार व मुकेश कुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। लंबी कूद छात्र वर्ग में प्रथम संगीता व द्वितीय स्थान खेमी ने प्राप्त किया, जबकि छात्र वर्ग में प्रथम अशोक मांजू व द्वितीय युवराज सिंह व तृतीय स्थान पर रिजवान खान ने स्थान प्राप्त किया। ऊंची कूद में नरेश कुमार व फिरोज खान ने संयुक्त रूप से प्रथम व अशोक मांजू ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा रंगोली प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। त्रिवेदी ने बताया कि कल भी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। रामलाल सोलंकी व रुकमन सिंह चंपावत ने निर्णायक की भूमिका निभाई। इस मौके पर खेल प्रभारी अखिलेश कुमार, लक्ष्मण सिंह, उपाध्यक्ष कृष्णा राम, महासचिव जितेंद्र कुमार, संयुक्त सचिव अंजलि फुलवारिया, खेल सचिव साहिल सिंह, संयुक्त सचिव यश प्रजापत सहित महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आयोजित। आहुर से देवाराम चुंडा की रिपोर्ट के अनुसार चुंडा के आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में डॉक्टर शक्ति सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों के स्वास्थ्य की जांच कर निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। वहीं बच्चों को स्वस्थ रहने के उपाय बताए गए। इस अवसर पर विद्यालय के अध्यापक महिपाल गरासिया, कानाराम भैराराम मोबारसा, कुंदन सिंह, महेंद्र कुमार, मनोहर सिंह, जितेंद्र छिपा, सूर्या कुमावत सहित आदि लोग उपस्थित। बीमारियों को लेकर पिलाया काढ़ा। सदराम माली की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धानसा में स्वाइन फ्लू व मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए गांव के समस्त विद्यालयों के छात्र छात्राओं एवं ग्रामीणों सहित कुल 2240 लोगों को काढ़ा पिलाया गया। इसमें स्थानीय आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर रामेश्वर गौतम ने मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए उपाय बताए। कार्यक्रम में भामाशाह लीलचंद पटियात स्थानीय अस्पताल के गणपत सिंह, रतिराम, महावीर शर्मा, तुलसीराम, राम रतन, एएनएम चन्नी, एलएचयू सुधा सहित कई लोग मौजूद थे। इसी तरह रमजान खान की रिपोर्ट के अनुसार आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वाड़ा भाड़ू में आयुर्वेद चिकित्सक लाल प्रताप सिंह द्वारा तैयार किया हुआ काढ़ा सभी विद्यार्थियों को पिलाया गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य गोपीचंद खिलेरी ने कहा कि स्वाइन फ्लू एवं अन्य बीमारियों की रोकथाम के लिए यह काढ़ा बहुत ही लाभदायक है। इस मौके राजाराम बिश्नोई ने भी सर्दियों में होने वाली बीमारियों व काढ़े से होने वाले फायदे के बारे में अवगत करवाया। यह काढ़ा विद्यार्थियों को 3 दिन तक पिलाया जाएगा। 10 दिवसीय ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण शिविर संपन्न। मानाराम देवासी की जानकारी के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान आर सेठी जालोर द्वारा बोरटा में आयोजित 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में डेयरी फार्मिंग तथा वर्मी कंपोस्ट तथा महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस मौके एसबीआई के लीड बैंक अधिकारी आर के भवरानी व आर सेठी के निदेशक मनोज आसेरी व अनुदेशक योगेश दवे, एसबीआई बीसी मानाराम देवासी बोटा, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हंस राज मीणा, कृषि अधिकारी प्रवीण सिंह व एएनएम विमला बिश्नोई बोटा वहां मौजूद थे। कार्यक्रम में कृषि अधिकारी ने कृषि संबंधित पशु अधिकारी द्वारा पशुपालकों व पशु आहार संबंधित जानकारियां प्रदान की। इस मौके प्रशिक्षणार्थी व ग्रामीण उपस्थित थे। पशु पक्षी शल्य शिविर का हुआ उद्घाटन। आहुर से जसार कुछल पांचोटा की रिपोर्ट के अनुसार हरजी के मालीनाथ जी मंदिर के पास पशु पक्षियों का शल्य चिकित्सा शिविर का आज विधिवत उद्घाटन किया गया। अंबालाल अचल चंदी जैन व हंजाबाई गोशाला बेड़ा के सहयोग से निःशुल्क पशु पक्षी शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। पहले दिन 116 पशुओं का इलाज व 3 बड़े ऑपरेशन किए गए। शिविर 3 दिन तक चलेगा। नरेगा स्थल पर हुआ जागरूकता शिविर का आयोजन। जालोर से कांतिलाल मेघवाल की रिपोर्ट के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के अध्यक्ष आरपी सोनी व सचिव नरेंद्र सिंह के आदेशानुसार व तालुका विधिक सेवा समिति रानीवाड़ा के अध्यक्ष अंकुश भदौरिया के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत आलड़ी में नरेगा स्थल पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पीएलबी चंदुलाल भील व शाबिर खान ने बाल विवाह के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह विधि विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि अगर किसी बालक या बालिका का कम उम्र में विवाह हुआ है तब वह उसे अवैध घोषित करवाने हेतु सक्षम न्यायालय, प्रतिषेध अधिकारी, जिला न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय द्वारा रोका जा सकता है। उन्होंने इससे संबंधित सजा व जुर्माना के बारे में विस्तार से समझाया।
शिविर में मेट लाधाराम, अंबा देवी, कमला देवी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। और अंत में मौसम विज्ञान की खबरों में, आज जालौर शहर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जनसेवा के समाचारों में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आ गया दीजिए जय भारत, जय जालौर।